नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां एक बार फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। जी हां, हम उन्हीं नुसरत जहां की बात कर रहे हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद हैं लोकसभा से, और जिसके बाद उन्होंने एक हिंदू बिजनेसमैन यानी कि जो जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं निखिल से, उनके जो हस्बैंड है उनसे शादी की थी, जिसके बाद वो काफ़ी सुर्खियों में आ गई थी। हाँ, जब वो पहली बार संसद पहुंची थी तो उनकी मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा और मंगल और गले में मंगलसूत्र था, जिसके चलते वो तमाम कट्टरपंथियों के तमाम मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवे निकाल दिए थे, कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि एक मुस्लिम होते आखिरकार आप एक हिंदू सुहागन की तरह कैसे दुनिया के सामने पेश हो सकते हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर उनके खिलाफ कई फतवे निकाले गए और यहाँ तक कि उन्हें इस्लाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा भी बताया गया। हालांकि उस वक्त नुसरत जहां ने साफ कर दिया था कि वो सभी धर्मों को एक समान देखती हैं, अगर वो मुस्लिम हैं तो वो हिंदू धर्म को भी अपनाती हैं, भारत की संस्कृति को अपनाती हैं और वो ये समझती हैं, वो दिल से ये उन्होंने अपने दिल से बात कही थी कि मेरे लिए सारे धर्म एक समान हैं। लेकिन उसके बाद वो कई बार कट्टरपंथियों के निशाने पर आए, उसके बाद दुर्गा पूजा में जब शामिल हुई तब वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आई और अब एक बार फिर वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आई, या फिर यूँ कहें कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो उन्हें दोबारा ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, अभी आपको हाल ही का मामला बताते हैं कि शारदीय नवरात्र चल रहे थे और दुर्गाष्टमी के मौके पर नुसरत जहां पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के पंडाल पहुँची थी, जो वहाँ का एक पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट होता है, कहते हैं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होता है ढाक। तो उन्होंने उस दुर्गा पूजा के पंडाल में ना सिर्फ ढाक पर डांस किया बल्कि वो ढाकियों के साथ ढाक बजाते हुए नजर आए। और उनका यही वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब उनकी यही तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो एक बार फिर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने उन्हें निशाने पर लेना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ बहुत अनाप शनाप बातें की, काफ़ी तरह की आपत्तिजनक बातें भी की और उनको काफ़ी कुछ कहा और इस्लाम के खिलाफ, या फिर उन्हें काफ़ी गैर इस्लामी भी बताया और उन्हें इस्लाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा भी बताया। आपको बता दें कि इससे पहले भी 17 अक्टूबर की बात है जब उन्होंने माँ दुर्गा को लेकर एक फ़ोटोशूट कराया था जिसमें वो माता दुर्गा के अवतार में दिखी थी, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो माँ दुर्गा का अवतार ली हुई थी। और इस फोटोशूट को लेकर भी काफ़ी कट्टरपंथी उनके पीछे पड़ गए थे। तो पूरा माजरा यही है कि जब जब नुसरत जहां इंडियन कल्चर को अपनाती हुई नज़र आती हैं, जब भी कोई भी वो हिंदू रीति रिवाज करती हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा पंडाल में नृत्य करते हुए नज़र आएँ, या फिर दुर्गा पूजा की जो सिंदूर वाली जो रस्म होती है वो करते हुए नज़र आएँ, या फिर जब भी वो अपने जो सुहागन वाले जब गेटअप में आती हैं बाहर निकल के तब वो नज़र आती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं मौलवियों से या फिर कुछ कट्टरपंथी लोगों से या तो कड़ी आलोचना उनकी वो लोग करते हैं, उनके खिलाफ तमाम फतवे जारी करते हैं और इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि नुसरत जहां कभी हार नहीं मानती है और हमेशा से, जैसे कि वो हमेशा कहती आई हैं कि उनके लिए सर्वधर्म एक समान है, और इसलिए वो अभी भी अपने इस्लाम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी फॉलो करती आई हैं, यानी कि आप ही कहें कि सर्वधर्म में सारे धर्मों को एक समान मानती हुई नजर आई। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।